सत श्री अकाल जी दर्शकों का स्वागत है साडे इनफोटेनमेंट जोन दे विच। पंजाब विच धर्म परिवर्तन खिलाफ कानून की मंग बारे की है रौला, कानून की कहता है, अज इहदे बारे गलबात करांगे। सानू धार्मिक तौर पर कमजोर करन लई पंजाब दी इस धरती दे उत्ते ईसाईयत का प्रचार बड़े जोर शोर नाल हो रहा है। पंजाब दे विच थां थां उत्ते मसीतां ते चर्चा बन रही हैं जो साडे लई चिंता वाली गल है। पंजाब दे सिखां ते हिंदुआं नूं गुमराह करके ईसाई बनाउण दी कोशिश कीती जा रही है ते इह सब सरकार दी नक थल्ले हो रहा है। इह दोवें बयान अकाल तख्त दे जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह दे हन जो इसे साल 2 महीने दे वक्फे दे अंदर दित्ते गए हन। पंजाब दे जिस भाईचारे तो अकाल तख्त दे जथेदार सिख भाईचारे नूं खतरा दस रहे हन, उसदी आबादी पंजाब दी कुल आबादी दा 1.5% तों वी घट है। 2011 तक इस भाईचारे दी आबादी 3,48,230 सी। पंजाब विच धर्म परिवर्तन बारे वड्डा विवाद खड़ा हो गया है। कित्थों खड़ा होया है ताज़ा विवाद? हाल ही विच अमृतसर दे पिंड विच ईसाई मिशनरियां दा एक प्रोग्राम चल रहा सी जिथे कुछ निहंग सिंह पहुंच गए ते प्रोग्राम दा विरोध करन लगे। दोवां भाईचारियां दे कुछ लोकां विचाले झड़प भी हुई ते पुलिस ने 150 निहंगा खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इस उत्ते अकाल तख्त दे जथेदार ने सख्त इतराज़ जताया। एक अखबार नूं दिते इंटरव्यू विच जथेदार ज्ञानी हरप्रीत जी ने यह भी कहा कि पंजाब विच जो हालात हन उसने सानू धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून लियाउण दी मंग चुकण लई मजबूर कर दिता है। कई सवाल उठते हैं, धर्म परिवर्तन है कि धर्म परिवर्तन कदों इतराज योग हो जाता है, धर्म परिवर्तन बारे संविधान की कहता है, इस नूं लैके भारत विच कानून की है ते जेकर कोई शख्स अपना धर्म बदलना चाहुंदा है तां उस नूं लैके कानूनी प्रक्रिया की है। भारत विच हर शख्स कोल यह हक है कि वह कोई भी धर्म अपना सकता है ते कदे भी अपना धर्म बदल भी सकता है। मान लो जेकर कोई सिख है ते हिंदू धर्म नूं अपनाउणा चाहुंदा है जां फिर ईसाई धर्म छड़ के इस्लाम धर्म विच जाउणा चाहुंदा है तां इह तय प्रक्रिया ते मर्यादा दा पालन करके धर्म बदलिया जा सकता है। इसे नूं ही धर्म परिवर्तन कहा जाता है। धर्म दो तरीकों नाल बदलिया जा सकता है। धर्म बदलन दे दो तरीके हैं, पहला कानूनी प्रक्रिया का पालन करके ते दूजा धार्मिक स्थान ते जाके उना दी तय मर्यादा का पालन करके। जेकर कोई अपना धर्म बदलना चाहता है तो अपने जिले के कलैक्टर जां किवें भी संबंधित अफसर नूं नोटिस देना पवेगा। नोटिस देन दे 30 तों 60 दिनों के अंदर ही धर्म बदलिया जाएगा। इस दे लई तुहानू कचहरी जां फिर वकील तो एक एफिडेविट बनवाना पवेगा ते अपनी सारी जानकारी देनी पवेगी, जिवें तुसीं किहड़े धर्म विच जा रहे हो, नाम अते पता वगैरह भी दसना पवेगा। धर्म बदले जाण तो बाद अपना नवा नाम ते धर्म गैजेट ऑफिस विच जाके रजिस्टर भी करवाना हुंदा है। हुण थोड़ा कानून बारे समझ लैंदे हाँ ते इह वी जाण लैंदे हाँ कि संविधान इस बारे की कहिंदा है। धर्म बदलण बारे कानून अते संविधान की कहिंदा है? संविधान दे आर्टिकल 25 तों 28 नागरिकां नूं धर्म चुनण अते प्रचार प्रसार करन दा अधिकार दिंदे हन। मतलब जिसदी जो मर्जी होवे उह धर्म नूं मन्ने ते उसदी पालना करे। आईपीसी दी धारा 295A ते 298 दे तहत जेकर कोई शख्स किसी दूजे नूं डरा धमका के लालच दे के जां फिर धोखे नाल धर्म बदली करवाउंदा है तां उस नूं 1 साल की सज़ा हो सकती है। 2011 विच अपनी एक जजमेंट विच सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान किसी व्यक्ति नूं दूजे दा धर्म परिवर्तन करवाउण दा अधिकार नहीं दिंदा अते प्रचार प्रसार दा मतलब धर्म परिवर्तन कदे नहीं हो सकता। की धर्म बदलण दे खिलाफ भारत विच कोई कानून है? मौजूदा समय विच केंद्र दे विच एंटी कन्वर्जन जां धर्म परिवर्तन खिलाफ कोई कानून नहीं है। हाँ, समय समय ते इस बारे कानून बनाउण दी मंग जरूर उठती रही है। फरवरी 2020 विच सुप्रीम कोर्ट वल्लों इस मुद्दे ते कीती गई एक सुनवाई दौरान कहा गया है कि कानून बनाउण विधानसभा जां संसद जां अधिकार है, कोर्ट कानून बनाउण नूं लैके कोई दिशा निर्देश नहीं दे सकता। दरअसल कोर्ट विच दाखल अर्जी विच मंग कीती गई सी कि सुप्रीम कोर्ट सरकार नूं कानून बनाउण बारे निर्देश देवे। कानून दी ही मंग नूं लै के दिल्ली हाई कोर्ट विच भी एक पटीशन पाई गई सी, उह भी कोर्ट ने खारिज कर दित्ती सी। कई सूबियां दे विच धर्म बदली विरोधी कानून जरूर हन। भारत दे 10 सूबियां विच एंटी कन्वर्जन यानी कि धर्म बदली खिलाफ कानून मौजूद हन। सब तो पहला यह कानून उड़ीसा विच 1967 विच बनाया गया सी। उस तो बाद गुजरात, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक ते हिमाचल प्रदेश विच लागू किया गया। हरियाणा विधानसभा वालों भी एंटी कन्वर्जन बिल नूं पास किया जा चुका है, पर राष्ट्रपति की मोहर लगनी बाकी है, उस तो बाद ही एक कानून बन सकेगा। इन्हां सारिया सूबों में कानून की उलंघना करन उत्ते सज़ा और जुर्माना राशि वक्खो वक्री है। पंजाब विच अजिहा कोई कानून नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील संजय हेगड़े कहते हैं कि एंटी कन्वर्जन लॉ धर्म बदली की प्रक्रिया लई बनाए गए हैं, पर इसे कानून कारण बहुत सारे लोग धर्म बदली ही नहीं कर पाते।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰ ਈਸਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਬਦਲਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧੀ ਅਤੇ ਤਬਲੀਗ ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਪੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 8000 ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ। ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪੱਖ? ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਡਾਇਓਸਿਸ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਮੰਤਾ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।